हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो कुछ अपडेट्स हैं डीसी से रिलेटेड जिन पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जोकर 2 से रिलेटेड कुछ अपडेट आ रही हैं। तो गाइस, जोकर 2 मूवी के साथ बिल्कुल वही चीज़ हो रही है जो जोकर के फर्स्ट पार्ट के साथ हुई थी। तो आप जानते हैं लगभग एक मंथ का टाइम बाकी है रिलीज़ में जोकर 2 के, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में एक तरीके से एडवांस स्क्रीनिंग की है जोकर 2 की, जिसमें कई सारे क्रिटिक्स भी इन्वाइटेड थे। तो रॉटन टोमेटो स्कोर निकल के आ गया और बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यूज़ मिल रहे हैं जोकर 2 को। अराउंड 60 से 61% रॉटन टोमेटो स्कोर है। और जब जोकर का फर्स्ट पार्ट रिलीज़ हुआ था तो उसको भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल में एडवांस स्क्रीन किया गया था काफ़ी टाइम पहले मेन रिलीज़ के, तो तब भी जोकर के फर्स्ट पार्ट को भी मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से। तो सेम चीज़ जोकर 2 के साथ भी हो रही है। और गाइज, जोकर 1 को भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला था वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, और जोकर 2 को भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला, लेकिन जो रिव्यूज़ हैं वो मिक्स्ड ही हैं दोनों मूवीज़ के। तो जोकर 2 के जब आप रिव्यूज़ देखेंगे रॉटन टोमेटो पे जाके, तो बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग रिव्यूज़ हैं। पोलराइजिंग इन द सेंस कि बहुत से क्रिटिक्स 4 स्टार, 5 स्टार या 5 out of 5 star दे रहे हैं, लेकिन बहुत से क्रिटिक ऐसे हैं जो पूरे तरीके से मूवी को हेट कर रहे हैं, कह रहे हैं मूवी बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो पूरे तरीके से पोलराइजिंग रिव्यू मिल रहे हैं जोकर 2 को। हालांकि मेन चीज़ जो मायने रखती है वो होता है ऑडियंस स्कोर। वो हमको तभी पता चलेगा जब मूवी को एक फुल ऑन प्रॉपर रिलीज़ मिलेगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। अच्छा गाइज, जो बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन है जोकर 2 का, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल के आने लगी है ट्रेड एनालिस्ट से। तो पहली जो रिपोर्ट निकल के आई है उसके हिसाब से 115 से 145 मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड हो सकता है जोकर 2 का US कनाडा मार्केट में, जिसे हम डोमेस्टिक मार्केट भी बोलते हैं। लेकिन गाइज, आप जानते हैं जैसे जैसे रिलीज डेट नज़दीक आएगी ये नंबर्स ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर जोकर 2 मूवी 100 मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड ले ले या एटलीस्ट 90 मिलियन डॉलर का भी ओपनिंग वीकेंड ले लेगी, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे नंबर बोले जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस स्कोर थोड़ा सा अच्छा रहे, वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, ताकि मूवी काफ़ी लंबे तक चले। हालांकि क्रिटिक्स तो पूरे तरीके से गाइज मिक्स्ड रिव्यूज़ ही दे रहे हैं जोकर 2 को। और दूसरी अपडेट जो है गाइज, आपको पता होगा लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि डीसी स्टूडियोज़ ने ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट निकल के आ रही है कि सर्जेंट रॉक का एक प्रोजेक्ट वर्क में है डीसी स्टूडियोज़ में। तो गाइज, अब आप ये समझ लीजिए कि ये न्यूज़ कन्फर्म ही है एक तरीके से, क्योंकि क्रिएचर कमांडो जो दिसंबर 5 को रिलीज़ होने वाला है उसमें एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है जो जेम्स गन ने खुद कन्फर्म कर दी कि ईस्ट कंपनी यूनिट नाम की एक फिक्शनल आर्मी यूनिट है जो वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड बेस्ड है डीसी कॉमिक्स में, वो अपीयरेंस कर सकती है क्रिएचर कमांडोज में। और ईस्ट कंपनी यूनिट का मेंबर या एक तरीके से आप लीडर बोल सकते हैं था सर्जेंट रॉक। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये टीज किया जा रहा है कि हाँ, जो सर्जेंट रॉक का प्रोजेक्ट बनने वाला है जिसके बारे में अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही थी, वो शायद एक कन्फर्म्ड न्यूज़ है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा सर्जेंट रॉक के कैरेक्टर को यूज़ कैसे किया जाएगा डीसी के फ्यूचर में। तो गाइज, यही दो अपडेट्स थी डीसी से रिलेटेड। तो गाइज, आप ज़रूर बताइएगा ये जोकर 2 को भी जो मिक्स रिव्यूज़ मिल रहे हैं फर्स्ट पार्ट की तरह, क्या आपको लगता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।